हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान दीजिए, हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं। जो हमारा फिजिक्स का पार्ट है उसमें प्रकाश का परावर्तन वाला भाग हमारा पूरा हो गया है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, इसमें क्या होता है, उसमें क्या था, उसमें और इसकी परिभाषा में एक मूल अंतर ये है कि परावर्तन में क्या होता है कि किसी भी परावर्तक सतह से टकराने के बाद एक प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। आपने देखा था, बहुत सारे केसेस थे, हमने पढ़े थे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण वगैरह के बारे में। और प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसमें क्या होता है कि एक जो प्रकाश की किरण होती है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजर जाती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, उसी माध्यम में वापस टकरा कर नहीं आती। ये प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, वो जैसे कांच होता है, जल होता है, हवा होती है, पारदर्शी माध्यम जिसके आर पार हम देख सकें उसको हम पारदर्शी माध्यम कहेंगे। तो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर प्रकाश की दिशा का बदल जाना अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश की दिशा को बदला क्यों, प्रकाश की दिशा क्यों बदलती है, इस चीज़ में हम आगे कारण दे रखा है। एक बार फिर से परिभाषा देखिए कि एक पारदर्शी माध्यम से जब भी जो प्रकाश की किरण है, मान लीजिए वो वायु से, हवा से और कांच के में प्रवेश करेगी, तो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर रही है, या हवा से जल में प्रवेश करेगी तो भी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो इस प्रकार एक प्रकाश की किरण का पारदर्शी, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा का बदलना अपवर्तन कहलाता है। दिशा का बदलना यहाँ पे जरूरी है, इस चीज़ को आप आगे देखेंगे। अपवर्तन का कारण क्या है, अपवर्तन का कारण है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो प्रकाश की गति बदल जाती है। आपने पढ़ा था, हम आगे भी पढ़ेंगे कि ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि वायु में प्रकाश की गति 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये चीज़ हम अलग अलग माध्यम में अलग अलग भी पढ़ेंगे। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की दिशा इसलिए बदल जाती है क्योंकि प्रकाश की गति बदल जाती है। जब भी प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गमन करता है तो उसकी गति बदल जाती है, गति बदलने की वजह से उसकी दिशा बदलती है। तो ये अपवर्तन का कारण है कि दिशा का बदलना अपवर्तन कहलाता है। और दिशा बदलती क्यों है, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश की गति बदल जाती है। पारदर्शी माध्यम के उदाहरण ये आप देख रहे हैं, जल, वायु, कांच, निर्वात। निर्वात वो जगह होती है जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, ना जल ना वायु, कोई भी माध्यम नहीं होता, उस जगह को हम निर्वात कहते हैं, इसको शून्य भी कहा जाता है। तो जल भी है पारदर्शी माध्यम, वायु भी पारदर्शी माध्यम है, कांच भी पारदर्शी माध्यम है आदि। प्रकाश की चाल के आधार पर माध्यम के प्रकार, प्रकाश की चाल के आधार पर माध्यम के प्रकार। सघन माध्यम, सघन माध्यम वह होगा जिसमें प्रकाश की चाल धीमी होगी। सघन, आप ये अपने कई बार पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि किसी, मान लीजिए हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो वहाँ एक घना जंगल था। घना जंगल का मतलब क्या होता है, घना जंगल का मतलब ये होता है कि जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत पास पास लगे हों। तो यहाँ पे सघन माध्यम का मतलब ये होगा कि वहाँ पे जो अणु हैं, कण हैं उस माध्यम के, वो बहुत पास पास स्थित हैं, इसलिए क्या होता है उसमें, वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम की तुलना में धीमी होती है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, सघन माध्यम और विरल माध्यम जो हम दो चीज़ें पढ़ेंगे हमेशा तुलनात्मक होते हैं। किसी भी पर्टिकुलर एक माध्यम के लिए, किसी भी एक विशेष माध्यम के लिए जब हम बात करते हैं कि ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम है, तो इसका मतलब ये है कि हम दूसरे के साथ उसकी तुलना करके बता रहे हैं। सिर्फ अकेले एक माध्यम को हम नहीं कह सकते। एक माध्यम, एक ही माध्यम, मान लीजिए हम जल की बात करें तो वो वायु की अपेक्षा सघन है लेकिन कांच की अपेक्षा विरल माध्यम हो जाएगा, तो वो दूसरे के साथ तुलना करने पर पता लगता है कि वो माध्यम सघन होगा या विरल होगा। तो वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम की तुलना में धीमी होती है, कम होती है, तो वह सघन माध्यम कहलाता है। तुलना जरूर करनी है आपको। और विरल माध्यम क्या होगा कि जब किसी एक माध्यम में प्रकाश माध्यम की तुलना में प्रकाश की चाल एक दूसरे माध्यम में ज़्यादा हो, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी उसमें वो विरल माध्यम कहलाएगा और जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी वो सघन माध्यम कहलाएगा। ध्यान रखिए इस चीज़ का। तो वायु में प्रकाश की चाल जो है वो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जल में प्रकाश की चाल 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, और कांच में प्रकाश की चाल 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यहाँ सबसे कम किस में है, 2×10⁸, 10⁸ तो तीनों में कॉमन है, यहाँ 3, यहाँ 2.25 और यहाँ 2, तो सबसे कम चाल किस में है, कांच में। तो कांच इन तीनों में, वायु, जल और कांच में, इन तीनों में से कांच जो है वो सबसे सघन माध्यम है, और प्रकाश की चाल सबसे तेज किस में है, वायु में है, तो वायु सबसे विरल माध्यम है। जल जो है वो वायु से तो सघन है लेकिन कांच से विरल है। तो तुलना जरूर करनी है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उपरोक्त तीनों माध्यमों में से सबसे अधिक प्रकाश की चाल वायु में है तो वायु सबसे विरल माध्यम है, एवं प्रकाश की चाल कांच में सबसे कम है तो कांच सबसे सघन माध्यम होगा। अपवर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं ये वही होंगी, आपतित किरण,
जो भी किसी पारदर्शी माध्यम के ऊपर जो गिरने वाली किरण होगी, जैसे उसमें दर्पण के ऊपर होता था, वो आपतित किरण कहलाएगी। अपवर्तित किरण वहाँ पे तो क्या होता था, टकराने के बाद वापस निकल जाती थी उसी माध्यम में। जब ये अपवर्तित किरण वो होगी, जब आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, तो उस प्रवेश करने के बाद जो किरण होती है, उस अपवर्तन प्रोसेस है, अपवर्तन की जो प्रक्रिया है, उसके बाद वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर जो किरण होती है वो अपवर्तित किरण कहलाएगी। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु दो पारदर्शी माध्यमों को मिलाने वाली वह सतह जहाँ पर आपतित किरण टकराती है, आपतन बिंदु कहलाता है। चित्र आगे मैंने बना रखा, आपको समझ आ जाएगा। अभिलंब, वही परिभाषा है कि जो अपवर्तक सतह है वहाँ पर परावर्तक सतह थी, अपवर्तक सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक काल्पनिक रेखा अभिलंब कहलाती है। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, एंगल आई से दर्शाया जाता है। अपवर्तन कोण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को वहाँ पर परावर्तित कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम परावर्तन कोण कहते थे। यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है तो इसलिए अपवर्तित किरण आएगा। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण कहा जाता है। इसे एंगल आर द्वारा दर्शाया जाता है। परिभाषाएं सारी की सारी वैसी हैं, बस जहाँ पे वहाँ पे परावर्तन हो रहा था तो यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है। अभी आपको चित्र से समझ आ जाएगा। अगले पेज पर मैंने चित्र बनाया हुआ है, देखिए। ये है कांच की स्लैब, कांच की सिल्ली जिसको हम कह सकते हैं, मान लीजिए। तो ये एक माध्यम हो गया, वायु जो है, वायु से आने वाली किरण है, दूसरा माध्यम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक आपतित किरण आ रही है और इस कांच पे यहाँ टकरा रही है। तो जिस जगह पे ये टकरा रही है इसको हम आपतन बिंदु कहेंगे। ये इस सतह से, अपवर्तक सतह से जो है 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जो हमने काल्पनिक रेखा खींची है, डॉटेड लाइन से, रेड पेन से मैंने खींच रखी है, उसको अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, ये चीज़ आपको आगे पता लगेगी कि दिशा बदल गई है। यही तो अपवर्तन है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, अगर ये मान लीजिए दिशा नहीं बदलती तो ये किरण इधर से आती हुई सीधी जाती, लेकिन यहाँ पे दिशा बदल गई है। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पे ये जो दिशा बदलने के बाद जो ग्रीन कलर वाली लाइन आ रही है, अपवर्तित किरण है, और ये जो कोण बना अभिलंब के साथ अपवर्तित किरण का, वो अपवर्तन कोण कहलाता है। अपवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये आपको आगे काम आएगा। चित्र भी हमने बहुत सारे बनाए हुए हैं आगे इसी को ध्यान में रखते हुए, कि जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे यहाँ कर रही थी, वायु विरल माध्यम है, इसके कण दूर दूर होते हैं, कांच ठोस होता है, आपने पढ़ा है 9वीं क्लास में कि जो ठोस पदार्थ होगा उसमें कण पास पास होंगे, तो ये सघन माध्यम होगा, वायु विरल माध्यम है। तो इसमें क्या होगा, जब भी एक प्रकाश की किरण विरल माध्यम, वायु से कांच में, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब की तरफ मुड़ती है। जैसे यहाँ मुड़ रखा है, ये वायु में नहीं ले रखा है, ये जो माध्यम है, ये कांच है, ये लाइन है अपवर्तक पृष्ठ, इन माध्यमों को जो है वो अलग करने वाली लाइन है, अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे। तो ये देखिए कितने एंगल बनाते हुए आ रही है, और जैसे ये इस माध्यम में प्रवेश करेगी अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, अभिलंब की तरफ मुड़ गई, नहीं तो इसी दी जाती इधर। तो इसको हम, जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की तरफ मुड़ती है। जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से बाहर की तरफ मुड़ती है। ये देखिए, इस बार मैंने ऊपर कांच ले लिया है, तो ये कांच में थी, ये कुछ एंगल आई आपतन कोण बनाते हुए आ रही थी, जैसे ये विरल माध्यम में आएगा, इस बार कांच ऊपर सघन माध्यम है, ये वायु नीचे विरल माध्यम है, तो ये क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर की तरफ, अगर इसी दी जाती तो इधर से आ जाती कहीं, लेकिन ये अभिलंब से बाहर की तरफ मुड़ी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा नियम है, जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन से विरल में तो अभिलंब से बाहर, विरल से सघन में तो अभिलंब की तरफ मुड़ती है, और जब भी कोई आपतित किरण अपवर्तक पृष्ठ पर, ये वाला अपवर्तक पृष्ठ होता है जो दो भागों को, दो माध्यमों को बांटता है, दो माध्यमों को जोड़ता है आपस में, उसको हम क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो जब भी कोई आपतित किरण अपवर्तक पृष्ठ पर लंबवत, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए गिरती है, तो वह बिना दिशा बदले, ये ध्यान दीजिएगा, बिना दिशा बदले सीधी निकल जाती है। ये देखिए मैंने लगा रखा है, ये माध्यम एक, ये माध्यम दो, और ये उनके बीच की लाइन है जो माध्यमों को अलग करता है, और ये मैंने 90 डिग्री का कोण बनाते हुए कोई आपतित किरण डाली है, तो ये ना तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, ना अभिलंब से बाहर, ये सीधी निकल जाएगी। ये तीसरी चीज़ है, अपवर्तनांक क्या होता है और आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा पढ़ते हैं, बाकी ये काम की चीज़ है। वायु में प्रकाश की चाल तथा किसी और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का, उस माध्यम का, यानी कि वायु में प्रकाश की चाल है और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है, तो उन दोनों का अगर हम अनुपात ले लेंगे तो वह उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाएगा, माध्यम का।
इसे n से दर्शाया जाता है। n बराबर वायु में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। ये जो n होगा यानी कि अपवर्तनांक होगा, ये इस माध्यम का निकलेगा जिसमें आप प्रकाश की चाल लिख रहे हो। वायु में तो हमें पता है, माध्यम में जैसे उदाहरण है कांच का अपवर्तनांक आपको अगर ज्ञात करना है तो आप क्या लिखेंगे, अपवर्तनांक का संकेत बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, 3 × 10^8 और ये 2 × 10^8, 10^8 से 10^8 कट जाएगा, 3/2 और ये 1.5 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, कांच का अपवर्तनांक आपके पास क्या आ गया, 1.5। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि क्योंकि यहाँ ये भी क्या है चाल, यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड आएगा, ये भी मीटर प्रति सेकंड आएगा, यानी कि दोनों ही क्या है चाल का जो रेशियो है, चाल का अनुपात है, इसलिए अपवर्तनांक का कोई SI मात्रक नहीं होता। जैसे दूरी का होता है ना किलोमीटर, वजन का होता है किलोग्राम, ऐसे ही इसका अपवर्तनांक का कोई SI मात्रक नहीं होता है। किसी माध्यम में कि अपवर्तनांक का शाब्दिक अर्थ यह है कि उस माध्यम में, अब शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं, वो तो हम कैसे निकालते हैं, वो था वो सूत्र था उसका कि अपवर्तनांक बराबर प्रकाश, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। लेकिन उसका मतलब क्या है अपवर्तनांक का, वो सीधा सा माध्यम ये होता है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से कितने गुना कम है। ये तो हमेशा मान के चलिए कि जितने भी हमारे पास जनरली आप सामान्य तौर पर 3 ही माध्यम होते हैं, जल हो गया, कांच हो गया और वायु। तो वायु में, इन तीनों में वायु में प्रकाश की चाल सबसे अधिक है, तो जो जल और कांच है उनमें प्रकाश की चाल कम मिलेगी, ये तो हो गया। लेकिन ये कितने गुना कम होती है वो अपवर्तनांक बताता है। जैसे उदाहरण में जो ऊपर हमने कांच का अपवर्तनांक 1.5 आया था, उसका अर्थ यह है कि वायु में प्रकाश की चाल कांच में प्रकाश की चाल के 1.5 गुना अधिक है। वायु में अधिक है, कांच में कम है। यहाँ पे मैंने लिखा था कि माध्यम में कितने गुना कम होगी, या आप ये कह लीजिए कि वायु में उस माध्यम की अपेक्षा कितने गुना ज़्यादा होगी, या जैसे मैंने लिख रखा है वायु में प्रकाश की चाल कांच की अपेक्षा 1.5 गुना अधिक है, या कांच में प्रकाश की चाल वायु की अपेक्षा 1.5 गुना कम है। देखिए दूसरा उदाहरण, जल का अपवर्तनांक अगर आपको ज्ञात करना है तो n जो ये है अपवर्तनांक वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल, दोनों का आप ये लिख लेंगे, ये वैल्यू जो हमने लिखी थी यहाँ पे, जो जल का अपवर्तनांक है 1.33 आया है। इसका अर्थ यह है कि जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से 1.33 गुना कम है। जल में कम होगी, वायु में अधिक होगी। दूसरी बात आती है आपेक्षिक अपवर्तनांक। आपेक्षिक का मतलब ये है कि हम इस बार वायु की बात नहीं करेंगे, हम दो माध्यमों में अपवर्तनांक का अनुपात लेंगे। दो विभिन्न माध्यमों में अपवर्तनांक के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे ये है अपवर्तनांक दूसरा और एक, दो माध्यम एक, यहाँ तो माध्यम दो का अपवर्तनांक बटे माध्यम एक का अपवर्तनांक। जैसे और माध्यम ये जो अपवर्तनांक 1-2 लिखेंगे आप, तो यानी कि इस बार ऊपर 1 आएगा, माध्यम 1 का अपवर्तनांक और माध्यम 2 का अपवर्तनांक। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है जल अपवर्तनांक कांच, मतलब जल की अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक कितना होगा वो हमें निकालना है। तो जल का अपवर्तनांक बटे कांच का अपवर्तनांक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल का अपवर्तनांक हमने अभी निकाला था 1.33 पिछले पेज पर, और कांच का निकाला था उससे पिछले पेज पर 1.50, तो 0.88 आ गया। यानी कि जल का कांच के सापेक्ष, जल का कांच की तुलना में जो अपवर्तनांक है वो 0.88 होगा। इसी प्रकार अगर हम कांच का अपवर्तनांक जल की तुलना में निकालना चाहेंगे तो इस बार ऊपर कांच ले लो, कांच का अपवर्तनांक बटे जल का अपवर्तनांक, 1.5 कांच का था, 1.33 उसका था जल का, तो इनका जो अनुपात आएगा वो 1.127 आएगा। यानी कि कांच का जल के सापेक्ष में, जल की तुलना में कांच का अपवर्तनांक 1.127 है। अपवर्तनांक के विषय में दो निष्कर्ष सामने आते हैं कि जैसे हम मान लीजिए माध्यम एक अपवर्तनांक 2 लेते हैं तो वो उसका व्युत्क्रम होगा किसका, 1/2 माध्यम एक का। जल का अपवर्तनांक कांच की अपेक्षा जो होगा, जल का अपवर्तनांक कांच की तुलना में अगर हम देखेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 1/2 कांच का अपवर्तनांक जल की अपेक्षा में। जैसे मैं आपको उत्तर देता हूँ, यहाँ पे जो हमने ये निकाला था जल का अपवर्तनांक कांच की अपेक्षा में, ये आया था 0.88, ये मैंने ये दिखा रखा है। अगर आप 1/0.88 करेंगे तो वो उसका ये 1.127 आ जाएगा। यानी कि जब माध्यमों को आगे से पीछे या इनकी पोजीशन चेंज कर दी जाती है तो व्युत्क्रम आ जाता है उसका अपवर्तनांक का। अगर आपको एक माध्यम का अपवर्तनांक पता है तो एक माध्यम का दूसरे के सापेक्ष पता है अपवर्तनांक, तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए आपको सिर्फ उसका व्युत्क्रम लेना है, रेसिप्रोकल लेना है। दूसरी चीज़ ये है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा उसकी सघनता उतनी ही ज़्यादा होगी और माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी। यानी अपवर्तनांक ज़्यादा है तो प्रकाश की चाल कम होगी। फिर सुनिए, अपवर्तनांक अगर ज़्यादा है तो प्रकाश की चाल कम होगी, सघनता ज़्यादा होगी। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे।
कांच की सिल्ली द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ये कांच की सिल्ली है, एक स्लैब है, आपके लैब में आपने देखा होगा बहुत सारी रखी होती हैं। ये है, ये वायु में प्रकाश के पी क्यू जो है एक आपतित किरण है जो यहाँ पे आपतित हो रही है। इस पॉइंट पर इसको हम आपतन बिंदु कहेंगे। ये नॉर्मल एन जो है हमने नॉर्मल यानी कि अभिलंब डाला है। वायु विरल माध्यम है, कांच सघन माध्यम है। तो जैसे ही विरल माध्यम से सघन माध्यम में कांच जो प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। ये जो सीधी निकलती इसकी बजाय अभिलंब की तरफ मुड़ गई है देखिए, और यहाँ पे अब ये बाहर निकलेगी यहाँ से। तो ये जो दूसरा है ये दूसरा बांटने वाला अपवर्तक पृष्ठ है, क्योंकि यहाँ भी ये क्या कर रहा है, दो माध्यमों को अलग कर रहा है। कौन कौन से माध्यम? कांच और वायु को। तो यहाँ पे ये इस बार ये जो किरण है इसके लिए पी क्यू के लिए, तो जो क्यू आर है वो अपवर्तित किरण है, पी क्यू आपतित किरण है, क्यू आर जो है वो अपवर्तित किरण है। लेकिन अगर हम इन दोनों की बात करें तो क्यू आर क्या है, आपतित किरण है, और आर और एस जो है वो अपवर्तित किरण हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये कितना एंगल बना रही है आर। इस बार क्या हो रहा है, यहाँ से अगर हम किरणों को बाहर निकालेंगे तो वो कांच से वायु यानी कि सघन से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, सघन से विरल माध्यम में आ रही है। तो इस बार ये अभिलंब से दूर की तरफ जाएगी, और अभिलंब से दूर की तरफ जाएगी तो देखिए यहाँ से ये एंगल कम है, ये एंगल ज़्यादा है, यहाँ से दूर हो गया। और ये क्या होगा, ये जो पहले वाली जो अपनी ऊपर वाली पी क्यू लाइन थी, पहले वाली आपतित किरण, उसके समानांतर हो जाएगी, लेकिन इनके बीच में एक दूरी हो रहेगी। समानांतर का मतलब यही होता है कि इनके बीच में कुछ गैप रहेगा, मिलेंगी नहीं है। एंगल आई क्या है, आपतन कोण। एंगल आर, ये एंगल आई है ऊपर। एंगल आर ये जो है ये अपवर्तन कोण है, और जो बाहर निकलने वाला एंगल है, जो किरण बाहर निकल गई उसको निर्गत किरण भी कहते हैं, निर्गत किरण। और इसको जो एंगल बनेगा, ये कोण बनेगा, इसको हम निर्गत कोण कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, पार्श्विक विस्थापन को डी से दर्शाया जाता है, ये दर्शा रखा है मैंने, और लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। कांच की स्लैब से अपवर्तन के पश्चात, कांच की स्लैब में अपवर्तन हो गया, प्रकाश की किरण अपनी मूल दिशा से विस्थापित होकर उसी के समानांतर गति करती है। कांच की स्लैब से अपवर्तन होकर, ये पहले वायु में थी, फिर कांच में प्रवेश किया और फिर वायु में आ गई है, तो ये अपवर्तन है कांच की स्लैब में से, और अपनी मूल दिशा के समानांतर हो गई। ये इसकी मूल दिशा थी, ये जो मैंने डॉट डॉट खींच रखा है, ये इसकी मूल दिशा थी। मूल दिशा से विस्थापित होकर गति करती है। मूल दिशा और वास्तविक दिशा के बीच के इसी विस्थापन को, ये जो दूरी होती है मूल दिशा में और वास्तविक दिशा में, ये चित्र से देखिए आपको दिखाई दे रहा है, इनके बीच की दूरी को ही क्या कहा जाता है, पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है, और इसे डी से दर्शाया जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि किसी भी अपवर्तन की प्रक्रिया के लिए पार्श्विक विस्थापन जितना, मतलब कितना होगा, ज़्यादा होगा या कम, ये दो चीज़ों पर निर्भर करता है कि अपवर्तन कोण कितना है और दूसरा माध्यम की मोटाई कितनी है। मतलब मान लीजिए अगर ये जो कांच की स्लैब है ये और ज़्यादा होती तो ये जो पार्श्विक विस्थापन है ये और अलग होता, और एक अपवर्तन कोण के ऊपर निर्भर करता है। थैंक यू।